सेटिंग के बारे में, मतलब कि आपके फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सिम कार्ड के अंदर, जीमेल आईडी के अंदर, जो भी कॉन्टैक्ट हैं और शो नहीं हो रहे हैं, कैसे शो हो जाएंगे, सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल सिंपल सा मेथड जो कि मैं आपको बताऊंगा, बस आपको देखने और फॉलो करना है। कॉन्टैक्ट पर आपको क्लिक करना है, तो गाइस यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपका जो सिंस है वो आप एक बार इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इनेबल कर लेता हूँ, तो गाइस यहाँ से हमारे सारे कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर आपके फोन के अंदर सिम के कॉन्टैक्ट आपको शो नहीं हो रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता ना, नो कॉन्टैक्ट इन दिस अकाउंट, और बाकी अदर अकाउंट के अंदर 2500 कॉन्टैक्ट हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्या करना है कि आपको कोई भी कॉन्टैक्ट शो नहीं मिल रहा, डिवाइस के अंदर भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ कॉन्टैक्ट आपके डिवाइस के अंदर है। बट गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी जो मेल आईडी है गाइस, पहले तो उसके अंदर आपको जितने भी कॉन्टैक्ट हैं गाइस वो आपके शो हो जाएंगे। तो ये गाइस हमारी मेल आईडी है, इसके अंदर हमारे सारे कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है यहाँ पे। बट गाइस हमारी सिम के कॉन्टैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है। तो क्या करना है, आपको थ्री लाइन पे जाना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब गाइज आपके फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे हो जाते हैं, ऑल कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि चाहे वो सिम के हों, चाहे वो मेल आईडी के हों, वो सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये सारे कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मर्ज एंड फ्लिक्स का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट कितने हैं आपके फ़ोन के अंदर, वो सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, अगर आप सिंपल तरीके से ऑल कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके फ़ोन के अंदर वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गाइस यहाँ पे मैनेज अकाउंट ऑन दिस, गाइस यहाँ पे सिंपल तरीके से कॉन्टैक्ट ऐप सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको आ जाना है। इस पर आप आएंगे तो गाइस अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस सिंपल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम इम्पोर्ट पर क्लिक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो सिम के कॉन्टैक्ट शो कराने थे ना आपको, तो सिम वन या सिम टू पे क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस हम सिम टू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो सिम टू के अंदर हमारे ये कॉन्टैक्ट हैं गाइस, जो कि हमारे मतलब फोन के अंदर पहले से ही सेम है इस वाली मेल आईडी के अंदर। तो मेल आईडी अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ से आप बदल सकते हैं, सिंपल तरीके से कोई भी एक मेल आईडी आप बदल लें तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अगर आप मेल आईडी चेंज करेंगे तो आपको मेल आईडी चेंज करनी पड़ेगी, तभी गाइस यहाँ पे आप सारे, अब गाइस इस मेल आईडी के अंदर ये नंबर नहीं है तो इसको मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से करके ना, तो हमारे सारे नंबर इम्पोर्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होगे, समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को लो सब्सक्राइब। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स को लाइक कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।